सभी को मेरा नमस्कार और मैं संतोष कुमार आप सभी के बीच मैं आ गया वीडियो के माध्यम से बताने कि कल जो ऑडियो वायरल हुआ था उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वह चीज़ बहुत अति गोपनीय चीज़ होती है, बहुत ही सरकार की गोपनीय चीज़ होती है जिसको सार्वजनिक रूप से किसी को दिखाया नहीं जा सकता या उसको सार्वजनिक करना भी जब तक कि पब्लिश नहीं हो जाता वह उसके बारे में चर्चा भी नहीं किया जाता। लेकिन खैर अलग बात है, अगर किसी ने इस तरह की बात की तो मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें, मैं उस चीज़ को ना बाहर निकलने दूंगा और मेरे पास जो चीज़ रहता है उसको मैं पब्लिकली दिखाता नहीं और न ही उसके बारे में बोलता भी हूँ, वह मेरे पास है। और उस वीडियो को सुनने के बाद एक लोक शिक्षक जो बांका ज़िले से हैं वो आ गए हमारे पास कि अब काफ़ी परेशान थे कल पटना में, तो उन्होंने कहा कि संतोष जी हमसे आपको एक बार मुलाकात करनी है, तो मैंने उनको बुला लिया, कहा कि ठीक है आइए आप। तो उनको मैं माननीय मंत्री के पास ले भी गया, अभी वीडियो के माध्यम से उस माननीय मंत्री का नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इनका नंबर और इनके बारे में डिटेल जब शेयर किया जाएगा तो आप लोग उनको भी परेशान करेंगे फ़ोन करके, तो ये सारी चीज़ अभी नहीं की जा सकती। लेकिन आज बुलाया गया है और जहाँ भी बुलाया गया है उसके बारे में बता दूँ कि वह बिहार सरकार में कद्दावर नेता हैं और जदयू के एक अभिन्न अंग हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनके यहाँ आज बुलाया गया है और आज हो सकता है कि उस तरह की बात बता दी जाए कि कब तक पब्लिश होगा या कब तक हमारा काम निकल जाएगा। इसके पहले नवंबर की बात हुई थी उसको मैंने बताया ही था और बाकी ये जो हमारे साथी हैं जो जिनको काफ़ी परेशानी थी कि नहीं हमारा हम हैं कि नहीं हैं, तो वो आ गए, वह भी अपनी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपके सामने रख दें। तो आप अपना परिचय दीजिए और कि आपका नाम क्या है। राम चौधरी मेरा नाम है। हम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए और बोलिए कि हम जो बोल रहे हैं संतोष जी। हम जो बोल रहे हैं संतोष जी, तो संतोष जी से मिलने आ गए थे, थोड़ा उसी के बारे में जानकारी लेना था, तो आज ये हमें मिले हैं। तो जो भी अब संतोष जी से मिलकर जो भी आगे की बात किया जाए उसी पर है इनके साथ जो आगे हो। और इनको जिज्ञासा है काफ़ी कि मेरे बारे में कुछ बोलें, तो आपको मेरे बारे में मैंने जहाँ जहाँ आपको घुमाया और आप जहाँ जहाँ गए आपको कैसा लगा, संतुष्टि कैसी मिली? बहुत संतुष्टि मिला है मुझे उनकी बातों से, जहाँ भी ले गए बहुत अच्छा, वहाँ का सब बात व्यवस्था था, सारी चीज़ें अच्छा ही थी और आगे लगता है कि कुछ होगा ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है ना आपको? हाँ अनुभव, इसमें संदेह नहीं ना है? कोई संदेह नहीं। और हम तो आप खुल के आप ये बोलिए कि आप लोग इनका साथ दीजिए। आप लोग इनका साथ दीजिए, जो भी है काम वो अच्छे तरीका से होगा और हुआ जा रहा है, इस पर बातें हो रही हैं। और अंतिम रूपरेखा तो आप देख ही लिए हैं। हाँ कि वह अंतिम रूपरेखा उसकी तैयार हो गई है। हाँ अंतिम रूपरेखा सब कुछ हमने जाके देख लिया है, कोई दिक्कत कहीं नहीं। आप एक बार सारे बिहार को अपने संदेशों से सारे लोगों को अवगत करा दीजिए कि अब अधिक दिनों का इंतज़ार नहीं है और मैंने सारी चीज़ें देख ली है। बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं करना है, बहुत जल्द ये इस पर काम हो रहा है। और आज का जो जहाँ जाना है उसके बारे में तो आपको मैंने बताया ही है कि जदयू के कद्दावर हाँ, नेता हैं हाँ, और अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो कल ही बोल रहे थे आपके सामने हाँ, हैं कि कल हाँ, आना हम बताएंगे हाँ, तो उसके बारे में भी बता दीजिए कि कल कितने बजे हम लोग मिले थे शाम में, 5 बजे 5:30 बजे के आसपास जो भी हाँ, 5:30 बजे के आसपास हम लोग मिले थे और जो भी है उनसे ये बातें कर रहे हैं, लगता है जो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, मुझे ये विश्वास लगता है संतोष जी के साथ।
और इस पर आज का जो हम लोगों के आने जाने में जो 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 खर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो संघ के लिए करना पड़ता है, तो वीडियो के माध्यम से आप ये कह दीजिए कि बाकी लोग इसमें खुलकर समर्थन दें और सहयोग भी करें ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। आप लोग सब मिलके इस काम में सहयोग दीजिए, जो भी है बहुत जल्द इस काम को किया जाएगा, आप लोग का सहयोग से ये काम हो जाएगा, तो आप लोग अच्छा ढंग से सही तरीका से इस पर ध्यान दीजिए। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जब साथ रहेगा तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ राम जी को आप लोग धन्यवाद दीजिए, क्योंकि राम जी कल बहुत समय दिए थे और आज भी हमारे साथ रहेंगे। और मैं अपनी वीडियो को इसी के साथ समाप्त करता हूँ, आप सभी पर छोड़े जाता हूँ, क्योंकि आज जाने का जो समय है निर्धारित है वह 12 बजे के बाद है। और 12 बजे तक जो आपसे मुमकिन है, ये नहीं कि आप से मांगा जा रहा है, आपसे मुमकिन है तो कीजिए, नहीं करना है तो वह उसका उस पर उसका कोई दबाव नहीं है। और कल राम जी ने देखा भी था कि आने जाने में क्या खर्च हुआ, वह मैंने अपने ही दिया, मैं तो पहले मांगता नहीं हूँ, लेकिन राम जी ने मेरा जब वर्क देखा तो कहा कि नहीं, आपको बोलना चाहिए था कि जब आपका इतना खर्च है डेली का तो आपको बोलना चाहिए था। तो इनके आग्रह पर मैंने यह वीडियो बनाया और आपके बीच यह संदेश दिया कि आप ही बोल दीजिए, तो क्या गलत है क्या सही है इस पर तो आप बता ही देंगे। हाँ, जाने आने में खर्च भी बहुत होता है, बहुत वहाँ पर ऐसे नहीं काम हो पाता है, बहुत काम करने के लिए वहाँ पर बहुत तत्पर होना पड़ता है तब जाके ये काम होता है, पूरा दिन का समय लग जाता है, खर्चा पानी सब उसमें होता है, तो हम इनके साथ ही थे, खर्चा पानी हुआ ही है और आज भी रहना है, तो आज भी रहना है, तो आप देख लीजिए आप लोग का सहयोग से ये काम हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर। धन्यवाद, और राम जी को भी धन्यवाद, आज साथ में रहेंगे।